गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं अपने गांव में हूं और काफ़ी दूर निकल आया हूं, बधार तरफ, खेतों तरफ। यहां पे मेन रोड भी है, इधर से काफ़ी चारों तरफ खेत ही खेत हैं, तो आप पीछे देख पा रहे होंगे हरियाली। तो अब पूरी हरियाली आपको हम दिखाएंगे, ये सरसों के पीले पीले फूल, ये पूरी हरियाली। अभी जो सीजन है उसके अनुसार गेहूं की फसल लगी है ये पूरे बधार में, आप देखिए। और ये देखिए रोड है, इसी पे मैं वॉक करते हुए मैं आ गया हूँ यहाँ तक। काफ़ी आगे है, मेरे गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे मैं आ गया हूँ अभी। ये दोस्तों, इन्हें लीलगाय या लीलगोड़ कहा जाता है, ये बहुत फसलों को बर्बाद करती हैं। ये देखिए, ये लोग हमें दिखाई पड़ गई खेतों में, बधार में। तो ये इसमें, इनमें सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें बहुत एनर्जी और बहुत तेज़ होती हैं ये, कि ये पकड़ में नहीं आती हैं किसी के भी, बहुत फास्ट भागती हैं ये। तो ये है पीले सरसों के खेत, इनकी खूबसूरती मुझे बरबस आकर्षित कर लेती है और आप भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे इनकी खूबसूरती को देख के। तो इन्जॉय कीजिए दोस्तों इन खूबसूरत पलों का। तो दोस्तों, अभी मैं खेत में आ गया हूँ, खेत के अंदर हूँ। अब मैं दिखाऊंगा आपको ढेर सारी सब्जियाँ, चलिए दिखाते हैं आपको ढेर सारी सब्जियाँ। ये जो आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं, ये है पालक। देखिए कितना बढ़िया पालक हो रहा है। अब आपको दिखाते हैं फूल गोभी लाइव। ये है देखिए फूल गोभी, देख पा रहे होंगे, ये पूरी है फूल गोभी की खेती। सब फूल निकल रहा है। और ये है दोस्तों पत्ता गोभी, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये पत्ता गोभी है, इसकी खेती हुई है, ये पूरे पत्ता गोभी है, पूरा है ये पत्ता गोभी। अभी ये पालक छोटे हैं, अभी अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बढ़ेंगे तब जाके काटा जाएगा इनको। और आगे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये लहसुन है, ये पूरा लहसुन है। ये है पूरा लहसुन दोस्तों। ये है गाजर, ये गाजर का है पौधा। आपको पूरी ग्रीनरी दिखाएंगे, से तो आप शायद पहचान लेंगे। ये है टमाटर का पौधा। ये है ब्रोकली, ये पूरे ब्रोकली के पौधे हैं। आप दिखाता हूँ मैं, अभी बहुत छोटे हैं वैसे, लेकिन आप देख पाएंगे। ये देखिए, ये है ब्रोकली, ब्रोकली। ये मूली है, देख पा रहे होंगे आप, ये मूली की पूरी खेती हुई है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये आलू का है, आलू की फसल लगी हुई है पूरे खेत में। गाँव के बधार में, यानी चारों तरफ खेत है, हरियाली है, और अभी जो फसल लगी है वो गेहूं की है, रबी फसल होती है गेहूं। और ये आपको दिखा रहा हूँ चारों तरफ मेरे, देखिए चारों तरफ हरे भरे खेत,
गेहूं के पौधे छोटे हैं काफी, तो ये देखिए पूरी धरती हरी भरी हो रही है अभी। ये हरा भरा खेत देख के मेरा मन एकदम प्रफुल्लित हो गया है और मुझे बहुत आनंद आता है इन हरियाली के बीच में घूमना। दोस्तों ये है मेरे गांव का नहर, मेरे गांव के पूरब साइड में नहर है, ये आप पीछे देख पा रहे होंगे, मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको। ये है हमारे गांव का नहर, देखिए पानी कितना स्वच्छ है, साफ है, इसी से हमारे पूरे गांव की सिंचाई होती है और हमारा गांव बहुत ही खुशहाल, बहुत ही कृषि कार्य में संपन्न गांव है और करीब यहाँ पर 60% किसान हैं हमारे गांव में और सारे खुशहाल किसान हैं। पूरा ये नहर है, सालों भर इसमें पानी रहता है, सिर्फ मई जून छोड़ दिया जाए तो, और पूरे साल इससे सिंचाई होती है हमारे गांव की। तो ये और इस पर देखिए ये रोड भी है इस नहर पे, ठीक है, ये रोड है। हेलो दोस्तों, तो अभी कुछ दिन और गाँव में हूँ तो आपको और भी खूबसूरत चीज़ें दिखाऊंगा, अपने गांव की हरियाली, अपने गांव के बाग बगीचे। आज मैंने प्रयास किया था कि हमारे गांव में जो भी सब्जियां उगती हैं उनको दिखाऊं और कुछ फसलों को भी मैंने दिखाया आपको, तो आगे भी मैं प्रयास करूंगा कि आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे गाँव में हैं, जो हमारे गाँव की शान है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।